हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस आसुस क्रोमबुक की। सर, ये वीडियो बाहर शूट कर रहा हूँ क्योंकि अंदर फोन में इतनी ब्राइटनेस नहीं आ रही थी। तो लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इस फीचर पे वीडियो बना दो, इस फीचर पे वीडियो बना दो। तो मैं सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट कर लिए और मैं पे पूरा इस वीडियो में कवर कर दूँगा सारा। ये सबसे लैपटॉप लैपटॉप उसका बेस बन गया ना लैपटॉप का, तो क्रोमबुक जल्दी नीचे निकलता ही। तो ये आसुस का मॉडल था C423। तो इसकी हम सारी बात बताते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी की बात करते हैं। तो बैटरी भाई फैंटास्टिक है। बैटरी कल मैंने 6 घंटे कंटिन्यू चलाया, आराम से चला था। जो वहाँ से चार्ज आया था मैंने देखा भी नहीं था कितनी बैटरी है, लेकिन 6 घंटे तक कंटिन्यू बैटरी चली थी। आप बात करते हैं, आज मैंने 4 घंटे की क्लास की है और 4 घंटे बैटरी कंटिन्यू चली है। अभी भी बैटरी इसमें है 74%। तो बैटरी के मामले में तो बहुत अच्छा है। अभी हम बात करते हैं कैमरा की। भाई कैमरे ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि जो इस यूट्यूबर ने बोला था कि कैमरे को हम 8 पॉइंट देंगे आउट ऑफ 10, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे। 5 मैं दूँगा इसमें, 5 पॉइंट से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरा पुराना लैपटॉप था उसके कंपेयर में बिल्कुल सेम ऐसी फीलिंग है। जूम पे क्लास करते तब भी ब्लर आती थी, इसमें भी ब्लर आती है, धुंधली धुंधली सी रहती है। तो होल्ड रहता है ना, झिलमिला झिलमिला सा, तो बस वैसा ही रहता है। अभी बात करते हैं हम स्क्रीन की। स्क्रीन भाई फंटास्टिक है, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, A1। तो अभी बात कर लेते हैं ऐप्स की। भाई ऐप बहुत सारे सपोर्टेड हैं, मतलब मैक्सिमम ऐप सपोर्टेड हैं, बट कुछ ऐप हैं लाइक जिस वजह से मैंने मंगाया था अपनी स्टडी के लिए, वो मेरे 9 ऐप थे जिस पर मैं पढ़ाई कर रहा था, बेसिकली नीट के थे। तो उसमें से 7 सपोर्टेड ही नहीं, 2 सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली और जो मोबाइल ऐप था उस पर चलती थी मेरी क्लासेस, उस पर मोबाइल जो सही स्क्रीन देता है, इतनी छोटी सी स्क्रीन, जिसमें मैं बताता हूँ इतनी बड़ी स्क्रीन पर कल वीडियो दिखाता है एक ऐप का। तो उससे मुझे थोड़ी सी फीलिंग देता अभी कि यार ये क्या मतलब। और फिर बेसिकली यूट्यूब पर बिंदास चल रहा है, बाकी क्रोम भी बिंदास चल रहा है। और बात कर लेते हैं कुछ ऐप की। अब सबसे बेकार चीज़ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल में ऐप होते हैं लाइक XR रिकॉर्डर, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग ऐप्स हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लेकिन इसमें सपोर्टेड ही नहीं है। इसमें पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने ऐप दे दिए हैं जो मतलब सपोर्ट ही नहीं करते। मतलब उसको ऑन करो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, तो वीडियो तुम फ्री रिकॉर्ड कर लो तो पता चलेगा बाद में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगी। बाकी क्या अब बात कर लेते हैं टच की। तो बेसिकली इसका टच उतना इफेक्टिव नहीं है कि तुरंत टच करो तुरंत ऑन हो, मतलब आपको टच प्रॉपर करना पड़ेगा। ये नहीं कि फटाफट टच किया फटाफट खुल गया, ऐसा नहीं भाई। इसलिए अभी हम ओपन करते हैं इसको और आप स्क्रीन देखना उसके। ये क्लासेस चल रही थी मेरी अभी। मैं सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि खुला, मेरा क्लास करने का मूड नहीं था, अब हुआ ऑन क्लोज अरे ऑन। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा बात है क्रोमबुक की, जो लैपटॉप में फीचर नहीं मिलता है। ओवरऑल अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो मैं कहूँगा हाँ आप खरीद सकते हो, अच्छा है और ज़्यादा वेट भी नहीं है, आराम से कैरी कर सकते हो इसको। तो ओवरऑल अच्छा है। अगर मार्क्स देने की बात हो तो 10 में कितने 8.5 सही रहेगा, 8.5। तो अगर और कुछ भी क्वेरी है, कोई अगर ऐप जानना चाहते हो कि चलेगा या नहीं चलेगा, तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूँगा। थैंक यू।